गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज सॉल्यूशन के सीरीज में लेक्चर नंबर 7 में हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं बेटा लेक्चर 7। तो लास्ट क्लास तक हमने कहाँ तक पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी तक। सॉल्युबिलिटी को हमने अलग अलग पर्सपेक्टिव में समझा था, है ना, कौन से चीज़ें सॉल्युबल होंगे, कौन से चीज़ें इनसॉल्युबल होंगे, है ना। इसके थर्मोडायनेमिक्स को देखा था कि किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, है ना। कोई भी चीज़ें किसी में, किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा कि नहीं, है ना, इसके प्रभावित करने वाले क्या क्या फैक्टर्स थे, वो सारा चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करा था। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का लेक्चर, है ना। लेकिन लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड, है ना, इसकी चर्चा करी थी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में ही, बट ये लेक्चर होगा गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, है ना। तो शुरू करते हैं बेटा आज का टॉपिक, है ना। हो गया आपका पेज संख्या, पेज नंबर आपका 1 है ये। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी, पढ़ेंगे ही सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड, सॉरी ये तो पढ़ लिए हैं, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसके बारे में हम लोग चर्चा आज करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, पहले इसको डिफाइन करते हैं कि इसके सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। मैंने आपको बताया था बेटा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड को कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ भी हम लोग एक सर्टेन पैटर्न में इसको डिफाइन करेंगे बेटा। तो हम लोग डिफाइन करते हैं सॉल्युबिलिटी को इन केस ऑफ गैसीय सॉल्यूशन, है ना, गैसीय सॉल्यूशन, नॉट गैसीय सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड, है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को डिफाइन करते हैं, तो ये होता है बेटा, है ना, वॉल्यूम, क्योंकि गैस को हम किसे मेजर करते हैं, वॉल्यूम में मेजर करते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस इन सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान में रहे हमें किस में लेना है बेटा, सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ गैस इन सेंटीमीटर क्यूब डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। बट ये सॉल्वेंट का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वो फिक्स होगा बेटा, वो हम लोग, है ना, वो हम लोग फिक्स करके रखेंगे, वो फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। वो भी लेते हैं हम लोग 1 ml, यानी 1 cm³ लेते हैं, 1 cm³ टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, एट पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये फिक्स होना चाहिए, और ये प्रेशर तो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। मैंने बताया था बेटा कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी जो होता है लिक्विड में, उस पर प्रेशर का इफेक्ट बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है, निग्लिजिबल होता है। बट यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, तो इसीलिए आप इसको यहाँ पे मेंशन करना बिल्कुल है, आपको मेंशन करना है ना, ये जरूरी है मेंशन करना। टेम्परेचर तो है ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपने बहुत बढ़िया से देखा थर्मोडायनेमिक्स, आप लोग बताया उसके कि डेल्टा जी पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है, डेल्टा जी ऑफ डिजोल्यूशन निगेटिव होना चाहिए, तभी जाके कोई भी चीज़ें, है ना, किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता, अदरवाइज डिजॉल्व नहीं होगा। तो हमने क्या सीखा बेटा कि
किसी भी गैस का सॉल्विटी जो है आपको किस तरह से डिफाइन करना है ना, वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन करना है, कितना वॉल्यूम ऑफ गैस इन सेंटीमीटर क्यूब किसी भी स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट वहाँ लिक्विड होगा है ना, उसमें डिजॉल्व होता है और उसी को भी हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में ही लेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा और इसे जल्दी से आप नोट करो। तो हम लोग इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि इफेक्ट कैसे देखेंगे, ठीक है बेटा। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस या लिक्विड को डिफाइन करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड को डिफाइन करते हैं और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को डिफाइन करते हैं, तो दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है आपको बखूबी पता चल रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो मेजर किया है वॉल्यूम मेजर किया है, जबकि उसका मेजर करता था मास, और वहाँ पे पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वहाँ 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लेते थे, जबकि यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग इफेक्ट्स को देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, है ना, प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा फैक्टर्स, है ना, शुरू करते हैं हम लोग फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कारक हैं, जो प्रभावित करेंगे आपके सॉल्युबिलिटी को? तो पहला तो फैक्टर यही है बेटा, नेचर, है ना, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये तो बात वहाँ भी हमने डिस्कस करी थी, लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाला फंडा, तो यहाँ भी लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाला फंडा चलेगा बेटा, है ना, यहाँ भी क्या पड़े चलेगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक डिजॉल्व्स लाइक का फंडा चलेगा यहाँ भी, ठीक है बेटा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब कहने का मतलब पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर में घुलेगा बेटा, पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर, है ना, नॉन पोलर में घुलेगा। तो ये बातें आपको बखूबी पता होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट हर जगह लागू होता है बेटा, है ना, बट आपको कल बताया था कि केवल यही पॉइंट ही नहीं, इस पॉइंट से अगर चलोगे तो आप मुँह के खाओगे, ज़रूरी नहीं है ऐसा, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ बेटा कि अगर मैं बात करता हूँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी में, किसकी में बात करता हूँ, H2O में बात करता हूँ, कि क्या ये H2O में सॉल्युबल होगा, मोर सॉल्युबल होगा या लेस सॉल्युबल होगा, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब चूंकि वाटर जो है क्या है बेटा, पोलर है, वाटर जो है क्या है, पोलर है, अब पोलर है तो पोलर चीज ही वाटर में घुलेगा। अब सोचना है क्या CO2 पोलर है, क्या CO2 पोलर है, तो देखते हैं भाई, पोलर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूनेट निकालना पड़ेगा, नेट डाइपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा, और नेट डाइपोल मोमेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो आपका पोलर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कैसा होता है CO2 का स्ट्रक्चर। तो आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग के अनुसार कि CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर शेप का होता है, हाइब्रिडाइजेशन SP होता है। अब जब बॉन्ड मोमेंट देखोगे तो बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरह से आता है बेटा, एंड इसका डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरह से आता है। अब दोनों देखो, दोनों
सेम ही बॉन्ड की बात कर रहा है, दोनों सेम तरह के बॉन्ड है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 180 एंगल पे हैं, तो ये दोनों कैंसिल होंगे और न्यू क्या आ जाएगा आपका, न्यू नेट आ गया बेटा जीरो। न्यू नेट क्या आ गया, जीरो आ गया। जब ये न्यू नेट जीरो हो गया, इसका मतलब ये नॉन पोलर है, इसका मतलब हुआ कि ये स्लाइटली सोल्यूबल होगा या इनसोल्यूबल होगा। तो CO2 क्या होता है, वेरी लेस सोल्यूबल होता है इन वाटर, बहुत ही कम सोल्यूबल होता है वाटर में, है ना, बहुत ही कम सोल्यूबल होता है वाटर में, जबरदस्ती इसको घुलाया जाता है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं बेटा, बात करता हूं SO3 की, बात करता हूं SO3 की, तो अगर मैं बात करूं बेटा SO3 की, SO3 की सॉल्युबिलिटी की अगर बात करता हूं एग्जांपल के तौर पे, तो आप अच्छा ये नीचे दिख रहा है क्या, मैं एक बार देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं, हाँ दिख तो रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सही है। तो अगर मैं बात करता हूँ SO3 की सॉल्युबिलिटी की, तो आपको पता है कि SO3 जो होता है बेटा, SO3 का स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरह का होता है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर है। हाइब्रिडाइजेशन निकालो इसका कितना हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हो, तो इसका sp2 आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर आई थिंक आना चाहिए, देख लेता हूँ एक बार, है ना, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेता हूँ, आपके रूल्स को एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि है ना, एक बार आपको भी याद आ जाए। हमने क्या करा था बेटा, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले थे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे टोटल, है ना, चारों एलिमेंट सेमी ग्रुप के हैं, तो इसके पास सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिक्स सिक्स सिक्स, तो कितने हो गए बेटा, 24 हो गए, सिक्स हो गए ना, सिक्स इसके पास, सिक्स इसके पास, सिक्स इसके पास और सिक्स इसके पास, है ना, तो 24 हो गए। और इसको कितने से डिवाइड करने के लिए बोला था कि अगर 8 से ग्रेटर हो, है ना, ग्रेटर और इक्वल टू 8 हो, तो आप उसको क्या करो, 8 से डिवाइड करो, लेस देन 56 है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स कट जाता है बेटा ये, एंड जीरो रिमाइंडर आता है। जब 3 आता है तो ये नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एसपी टू होता है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा एसपी टू। तो जब देखो मैं हर चीज़ को रिकॉल करता हूँ, मैं कंबाइन करने का कोशिश करता हूँ, कोरिलेट करने का कोशिश करता हूँ, ताकि आपके जो पीछे वाले भी कॉन्सेप्ट हो एटलीस्ट थोड़े थोड़े रिकॉल हो जाए, है ना। तो ये रही बात, तो देखो sp2 है, तो sp2 का मतलब हो गया बेटा कि ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर, आपको पता होगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया बेटा ये, ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया बेटा, ये प्लेन में ही रहेंगे इस तरह से, है ना, इस तरह से प्लेन में रहेंगे। अब आप इसका डाइपोल मोमेंट देखो बेटा, इसका बॉन्ड का मोमेंट देखो, बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरह का आएगा, चूंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने से पार्शियल निगेटिव और यह पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो इसी तरह सिमिलरली सभी के ऊपर इस तरह का आ जाएगा डाइपोल मोमेंट। अब इसका नेट मोमेंट देखोगे तो नेट मोमेंट है ना, अब देखो नेट मोमेंट आप इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट में तोड़ लो, एक्स वाई अगर कोऑर्डिनेट में हम तोड़ लेते हैं इसको, तो एक वेक्टर इधर मिलेगा आपको और एक वेक्टर इधर मिलेगा, जो कि एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और ये दोनों का एडिशन मुझे एक इधर मिलेगा, है ना, एक दोनों का एडिशन मेरे को कुछ इधर मिलेगा, ठीक है, ये दोनों का एडिशन मेरे को कुछ नेट इधर मिलेगा। अब ये भी देखो मान लेते हैं, देखो सब ये कितना है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कुछ 180 होगा, कितना होगा, रुको 120 होगा, तो 120 हो गए, 120। अब मैंने क्या किया, करा इसको इस तरह से डिवाइड करा एक्स और वाई एक्सिस में, इधर मान लिया एक्स है और इधर मान लिया मैंने वाई है, तो ये जो बॉन्ड का मोमेंट आएगा ये डिवाइड करने के बाद कितने आ जाएंगे, ये 60 आ जाएगा, है ना, और ये भी कितना आ जाएगा, नहीं एक 30 होगा और एक 60 होगा, ऑब्वियसली बीच से डिवाइड करो, ये 30 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, हाँ तब थोड़ा परिवर्तन पड़ेगा। मान लो कि इसका डाइपोल मोमेंट न्यू है, सपोज दैट न्यू डाइपोल मोमेंट है, तो ये जो वेक्टर सम आएगा इधर, तो न्यू कॉस 30 आएगा,
इधर भी आएगा न्यू कॉस 30 आएगा, है ना। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ बेटा, मैं मेथड बता दे रहा हूँ कि कैसे हम लोग वेक्टर सम करते हैं, है ना। न्यू कॉस 30 आ जाएगा और इधर जो आएगा ये दोनों का सम, इधर से न्यू साइन 30, इधर से भी न्यू साइन 30, यानी कि इधर आ जाएगा 2 न्यू साइन 30। हालांकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा और 2 न्यू साइन 30, है ना। अब आपको पता होगा कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा, है ना। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 2 न्यू हाफ होता है ना, हाफ, तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया, यानी कि न्यू आ गया। तो देखो न्यू ऊपर न्यू नीचे, ये भी डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो गया, तो ये न्यू न्यू कैंसिल, ये भी न्यू कैंसिल, मतलब ये हो गया, ये भी हो गया, नॉन पोलर हो गया, नॉन पोलर हो गया। तो ये भी क्या होगा, स्लाइटली सोल्यूबल होगा, लेस सोल्यूबल होगा। तो इस तरह से हम लोग है ना निकालते हैं बेटा डाइपोल मोमेंट और सोल्युबिलिटी देखते हैं। जबकि यहीं अगर बात करी जाए बेटा SO2 की बात करी जाए, एक और एग्जांपल लेता हूँ SO2 की एग्जांपल की बात करता हूँ। तो SO2 अगर मैं बात करूँ तो SO2 की सोल्युबिलिटी की अगर बात करूँ बेटा, तो SO2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालो और देखो, है ना, एक बार कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा। इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो, जैसे कि मैंने इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाला, इसका थोड़ा सा एनालिसिस किया, है ना, डाइपोल मोमेंट निकाला और देखा कि इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। आप इसको थोड़ा सा सोचो, है ना, आप सोच सकते हो मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, इसका न्यू इक्वल टू 0 आ गया। हालांकि क्योंकि ऊपर न्यू और नीचे न्यू दोनों इक्वल इक्वल हो गए, तो 180 के एंगल पे वो न्यू न्यू है, तो ऑब्वियसली उनका रिजल्टेंट फैक्टर 0 होगा। और इधर न्यू कॉस थीटा और इधर भी न्यू कॉस 30, है ना, सेम ही है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के वैल्यू हैं, तो 0 हो जाएंगे। अब यहाँ की बात करते हैं SO2 की, तो SO2 की बात करें बेटा, तो SO2 की बात करें तो सल्फर 6, है ना, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा बेटा कितना। देखो मैं ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ही डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, है ना, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता है। मैं केवल मेथड बता रहा हूँ, अप्रोच बता रहा हूँ, आप इसको अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने काउंट करा बेटा, ये कितना आ गया, 6 दुनिया 12 6 18, है ना, कितना हो गए, 18 हो गए। आप डिवाइड करो 8 से, क्योंकि यहाँ भी केस 2 ही है, या केस 2 मैं बोल रहा हूँ, याद करो केस 2 का मतलब क्या है। मैंने केस 1 बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 हो तो आप 2 से डिवाइड करते हो, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 8 हो तो आप किससे डिवाइड करते हो, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 होता है तो आप किससे डिवाइड करते हो, 8 से डिवाइड करते हो, है ना, ग्रेटर देन नॉट इक्वल, ग्रेटर देन 8 तब आप 8 से डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 8 2 16 बेटा, तो 8 2 16 हो गया, यानी कि 2 रिमाइंडर बच गया। जब रिमाइंडर बचता है तो फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, है ना, 2 1 2 बेटा और 0। अब ये दोनों का ऐड करके आ गया आपका 3, मतलब आपके ऑर्बिटल्स हो गए बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 हो गए। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना हो गया बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, ऑर्बिटल्स हो गए कितना, 3 हो गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना हो गया बेटा, 3। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। कितना हो गया हाइब्रिडाइजेशन, sp2, है ना, तो sp2 हो गया। अब देखो अगर आपसे बोला जाए कि बताओ कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितना होगा, है ना, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितना होगा, थोड़ा सा मैं इस अभी जस्ट एग्जाम हुआ है, है ना, उसमें एक सेंट्रल एटम पे लोन, है ना, जस्ट एग्जाम हुआ ना जेई का, जेई वाले में भी पूछा था सेंट्रल एटम पे लोन पेयर बताओ, तो चलो, है ना, इसके ऊपर लोन पेयर निकालते तब आप इसका स्ट्रक्चर बता सकते हो, क्योंकि लोन पेयर आ जाने से स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, आपको पता है ना, शेप चेंज हो जाता है। तो चलिए सेंट्रल एटम पे लोन पेयर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा बेटा, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो जाएगा आपका 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम 2 है, यानी कि 1। लोन पेयर कितना हो जाएगा बेटा, 1। हाइब्रिड ऑर्बिटल माइनस सराउंडिंग एटम को माइनस कर देने से जो बचता है वही आपका सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होता है, उतना ही सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होता है। जैसे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 आया बेटा, सराउंडिंग एटम 2 है, तो 3 माइनस 2 कर दिया तो 1 आ गया, तो आपका हो गया सेंट्रल
एटम पे लोन पेयर की संख्या 1 हो गई बेटा। अब 1 आने से ऑब्वियसली शेप चेंज हो जाएगा, जैसे कि अगर लोन पेयर नहीं होता तो sp2 के लिए क्या हो जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता, लेकिन sp2 अब ट्राइगोनल प्लेनर नहीं रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बेंट शेप का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेंट शेप का हो जाएगा और एक लोन पेयर इस तरह से रहेगा। और आपको मैंने ये भी बताया था कि लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट बॉन्ड पेयर के डाइपोल मोमेंट से ज्यादा होता है ना, इसका डाइपोल मोमेंट बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है, क्लियर है। तो आपको कुछ इस तरह से है ना, इधर ये डाइपोल मोमेंट मिलेगा और इसका डाइपोल मोमेंट इधर और इसका डाइपोल मोमेंट इधर, दोनों का कुछ रिजल्टेंट इधर आएगा। अब ये दोनों का नेट वेक्टर सम करोगे तो कुछ ना कुछ है ना न्यू बचेगा, तो न्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, न्यू नेट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, पोलर हो गया, ये क्या होगा बेटा, पोलर हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये बहुत बढ़िया वाटर में सोलूबल होगा, है ना, इसका मतलब हो गया ये गुड सोलूबिलिटी, इसका सोलूबिलिटी अच्छा खासा होगा, अच्छा सोलूबल होगा, है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, सोलूबल होगा, ये हो गया पोलर, तो ये हो गया पोलर। अब पोलर हो गया तो पानी में अच्छे से घुलेगा, है ना, पोलर सॉल्वेंट में अच्छे से घुलेगा, लेकिन यही अगर आप इसको CCl4 में घुलाओ तो नहीं घुलेगा, कम सोलूबल होगा, है ना। उसी तरह से अगर मैं बात करूं बेटा O2 की बात करता हूं, चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, बढ़िया सा गैस लेता हूं, O2 बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ना, एक्वेटिक लाइफ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैस O2 है ना। तो अगर O2 की सॉल्युबिलिटी की बात करूं मैं किसमें, पानी में, तो आप बताओ कि O2 कैसा सोलूबल होगा, क्या वाटर पोलर है, क्या वाटर पोलर है बेटा, तो बिल्कुल नहीं पोलर है, है ना, इसमें कहीं डाइपोल मोमेंट नहीं दिख रहा है, है ना, कहीं इलेक्ट्रॉन का नेट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रही है, तो ये नॉट पोलर है। तो ये क्या होगा बेटा, स्लाइटली सोलूबल होगा, स्लाइटली सोलूबल होगा, या वेरी लेस सोलूबल होगा, या नॉट सोलूबल होगा, है ना। तो एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है ना, शायद आपके भी मन में उठ रहा होगा कि सर आपने बोला कि ये जो पोलर है पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है ना। अब यहाँ पे जो CO2 आ रहा है नॉन पोलर है, SO3 आया नॉन पोलर है, O2 आया नॉन पोलर है, लेकिन ये सभी वाटर में घुलते हैं, ऐसा क्यों, वाटर में घुलते हैं तो घुलना नहीं चाहिए था। हाँ बेटा घुलते जरूर हैं, लेकिन वेरी लेस घुलते हैं, बहुत कम घुलते हैं, स्लाइटली सोलूबल होते हैं, है ना, उसको जबरदस्ती घुलाया जाता है तब जाके वो घुलते हैं, है ना। और उसका घुलने का कुछ और भी वजह होता है ना। आपको पता है बेटा कि जब मॉलिक्यूल होता है तो दूसरे मॉलिक्यूल से इंट्रैक्शन जब करता है तो बहुत तरह के इंट्रैक्शन होते हैं, उसमें वंडरवाल फोर्स वाले इंट्रैक्शन आपको पता होगा, है ना, आपने गैसे से पढ़ा है वीक फोर्सेस, तो वहाँ कहीं ना कहीं वीक फोर्सेस काम करते हैं, वंडरवाल फोर्सेस काम करते हैं, है ना। तो आपको पता है पोलर में क्या होता है, डाइपोलर पोलर मॉलिक्यूल है, दूसरा भी पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर पोलर के बीच क्या इंट्रैक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। लेकिन यदि यहीं अगर ऐसा कहा जाए कि एक नॉन पोलर है और दूसरा भी नॉन पोलर है, तो उन दोनों के बीच कैसा इंट्रैक्शन होता है, तो उनको उनके बीच क्या होता है ना, लंडन फोर्सेस होता है, इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, आप समझ में, इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। तो एक पोलर हुआ और दूसरा नॉन पोलर हुआ, अगर उन दोनों के बीच इंट्रैक्शन है तभी जाके वो सोलूबल है, भले ही स्लाइटली सोलूबल है, लेकिन इंट्रैक्शन तो हुआ होगा। अब इंट्रैक्शन कैसा हुआ होगा, तो एक में कैसा हुआ बेटा, एक पोलर हुआ, दूसरा क्या हुआ, नॉन पोलर हुआ, तो पोलर वाला क्या करेगा, नॉन पोलर वाले को है ना इलेक्ट्रॉन को पोलराइज कर देगा और उसको एक इंड्यूस डाइपोल बना देगा। अब उन दोनों के बीच इंट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, है ना, उन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, इंट्रैक्शन शुरू हो जाएगा और है ना मोमेंटरली डाइपोल क्रिएट हो जाएगा और ये भी डाइपोल हो गया, तो इंट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, सोलुबिलिटी बढ़ जाएगी, सोलुबिलिटी होगी इन दैट केस, है ना, बट वो थोड़ा लेस सोलूबल होगा। लेकिन अच्छा खासा पोलर हुआ तो सोलुबिलिटी बढ़िया होगा, तगड़ा होगा सोलुबिलिटी,
है ना, जैसे SO2 की सॉल्युबिलिटी बहुत बढ़िया होगी, है ना। अब क्या करेगा, ये वाटर से रिएक्शन करेगा और कंपाउंड बना लेगा भाई, पोलर कंपाउंड। आपको पता है कि SO2 के साथ जैसे ही रिएक्ट करता है वाटर, है ना, सल्फ्यूरस एसिड बना लेता है, है ना। SO2 प्लस वाटर रिएक्ट करा तो H2SO3 बना लिया, है ना। अब ये देखो एसिड बन गया, और ये एसिड, एसिड तो अच्छा खासा पोलर होता है, पानी में घुल जाएगा, है ना। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम सोल्युबिलिटी बता रहे हैं, है ना। कोई सोल्यूबल होगा या कोई नॉन सोल्यूबल होगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे आप लोग, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने देख लिया बेटा कि किस तरह से सॉल्युबिलिटी इफेक्ट हो रहे हैं, है ना, नेचर के अकॉर्डिंग, कि कोई स्लाइटली सॉल्युबल है, कोई इनसॉल्युबल है। जैसे अगर एक और चीज़ बात करूं, बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल लेता हूं बेटा, जैसे कि एग्जांपल में बात करता हूं, है ना। अगर मैं बोल दूं कि एक हीलियम गैस है, हीलियम नीना और करीना, मतलब ये वाले, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, मैं इनकी बात करता हूँ कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेंडन की सॉल्युबिलिटी बताओ। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस गैसेस इन वाटर, है ना। ये वाटर में किस तरह से सॉल्युबल होंगे, कितना, क्या ऑर्डर होगा इनका, है ना, वाटर में किस तरह का सॉल्युबिलिटी होगा। तो पहली चीज बताएंगे कि अब मैं बोलूं कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा, सॉल्युबल होगा या स्लाइटली सॉल्युबल होगा, तो आप बोल सकते हो कि ये दीज आर स्लाइटली सॉल्युबल, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स है तो, अगर हालांकि इसमें डाइपोल तो कहीं दिख नहीं रहा है ना, ये तो डाइपोल है नहीं इसमें, तो ये सब क्या होंगे, है ना, ऑब्वियसली ये आइदर इनसॉल्युबल होंगे या स्लाइटली सॉल्युबल होंगे, तो ये स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, पहली चीज। अभी अगर स्लाइटली सॉल्युबल हैं तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा इनका, तो ऑर्डर देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच इंट्रैक्शन जो हो रहा है किस तरह का इंट्रैक्शन है, और वो इंट्रैक्शन कैसे कैसे बढ़ रहा है, है ना। तो आपको पता है बेटा कि ये जो है पोलर है, ये क्या है, पोलर है, और ये जो है नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, ये जो है आपका क्या है बेटा, नॉन पोलर है, और नॉन पोलर और पोलर के बीच का इंट्रैक्शन जो होता है, अगर ये सोल्यूबल है इसका मतलब कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन चल रहा है इनके बीच, तो इनके बीच का इंट्रैक्शन होगा बेटा, इसका तो डाइपोल होगा, डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना, इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, है ना, डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, ये सारा कुछ नहीं मिलेगा बेटा कहीं भी, है ना, ये सारा सोचने की बात है, ये सब खोजी प्रवृत्ति की बात है, है ना, ये सारा कहीं भी एक जगह नहीं मिलेगा, कहीं भी एक जगह नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक जगह करके दे रहा हूँ, तो इसकी अहमियत को समझो और ढंग से इसको करो, है ना, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर डाइपोल है बेटा, H2O का डाइपोल है, और इंड्यूस डाइपोल है, इंड्यूस डाइपोल किसका है, हीलियम में, नियॉन में, आर्गन में। अब बताओ इंड्यूस डाइपोल का स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करता है, ये तो एक वंडरवाल फोर्स हो गया बेटा, है ना, ये क्या हो गया, ये वंडरवाल फोर्स हो गया, वंडर वाल फोर्स हो गया ये। अब आपको पता है वंडरवाल फोर्स हो गया, अब आपको पता है कि वंडरवाल फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है बेटा, साइज बढ़ने से वंडरवाल फोर्स इंक्रीज होता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ते हैं, तो पोलरिटी ऑब्वियसली बढ़ने लगता है, है ना, पोलरिटी अच्छा खासा होने लगता है। तो नीचे जाने से साइज बढ़ रहा है बेटा, वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा, इंट्रैक्शन अच्छा होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, है ना, तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बेटा ये हो जाएगी। तो ये कभी बहुत बार पूछा जा चुका है इस तरह का क्वेश्चंस, आई होप ये समझ में आया होगा बेटा, है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको ये अच्छा एग्जांपल लगा होगा, क्लियर है।
चलिए, तो हम लोग छोटी छोटी बातें करते हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें होती है सब। अब नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर आते हैं बेटा। नेक्स्ट फैक्टर है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर याद आया कुछ? ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है बेटा? टीसी। व्हाट इज दिस टीसी? व्हाट इज दिस टीसी? तो आपको पता होगा बेटा कि ये कहाँ पढ़े थे, याद आ रहा है आपको? तो मैंने जब लिक्विफिकेशन ऑफ गैस पढ़ाया था बेटा, याद करो, मैंने जब लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कराया था तो आपको पढ़ाया था क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल प्रेशर। तो आपको बताया था बेटा, है ना, क्या बताया था, है ना, वॉल्यूम को घटाओ कैसे प्रेशर को बढ़ाकर। ये रहा वॉल्यूम बेटा और ये रहा प्रेशर। वॉल्यूम को घटाओगे कब? जब प्रेशर बढ़ेगा। तो देखो, वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है ना। वॉल्यूम ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा। तो एक समय मिलता है जब लिक्विड हो, सॉरी, गैस जो है कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब तो ये सवाल उठता है कि क्या हम लोग किसी भी टेम्परेचर पे किसी भी गैस को प्रेशर बढ़ा के लिक्विड बना सकते हैं? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, इस तरह का चीज़ें नहीं होता है, ठीक है? तो ध्यान रखना है। तो हम लोग कब तक कर सकते हैं किसी गैस को लिक्विफाई? जब तक कि क्रिटिकल टेम्परेचर को नहीं पहुंचा है वो गैस, है ना। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर पे है तो फिर उसके अगर ज़्यादा थोड़ा सा भी टेम्परेचर हुआ तो गैस लिक्विफाई नहीं होगा। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू होता है बेटा 8A/27RB, ये आपको पता होगा, 8A/27RB। और यहाँ पे ए एंड बी जो होता है क्या होता है? वंडरवाल गैस कांस्टेंट होता है, है ना। ए एंड बी वंडरवाल गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है, वंडरवाल गैस कांस्टेंट होता है। और आपको पता है कि ए जो होता है ये प्रोपोर्शनल ऑफ इंटर मॉलिकुलर फोर्स होता है, इंटर मॉलिकुलर फोर्स होता है, मतलब बोले तो वो फोर्स को ही रिप्रेजेंट करता है, इंटर मॉलिकुलर फोर्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स हो गया बेटा, है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, है ना। और हर एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है क्योंकि हर एक गैस लिक्विफाई हो, है ना, हो सकते हैं, है ना। कुछ कुछ एक गैस है जो कि लिक्विफाई नहीं होता है, जैसे हीलियम, है ना। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स का प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा ए का वैल्यू होगा बेटा उतना ही ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। तो उसका उल्टा भी बोल सकते हैं, है ना, इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स इज प्रोपोर्शनल ऑफ ए। हमें फोर्स से काम है इसलिए मैं ये वाला रिलेशन सोच रहा हूँ। तो देखिए, मैं इसका उल्टा भी बोल सकता हूँ बेटा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स, है ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज प्रोपोर्शनल ऑफ ए। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है बेटा? प्रोपोर्शनल ऑफ ए होता है, इस तरह से। क्लियर हुआ, आ गए समझ में? तो ये इस तरह की हम लोग बातें करेंगे बेटा। अब देखिए, अब सॉल्युबिलिटी का साथ ये देखा गया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के साथ ये देखा गया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के साथ ये देखा गया है कि ये जो होता है प्रोपोर्शनल ऑफ टीसी होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल होता है। और आप इसको अच्छे से समझ सकते हो कि ऐसा क्यों होता है। क्यों होता है बेटा? क्योंकि यहाँ पे टीसी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, और ए जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स तभी होगा जब दो मॉलिक्यूल के बीच में अच्छा खासा इंटरेक्शन होगा, है ना। और इंटरेक्शन होने के लिए आपको पता है कि किसी न किसी तरह के वहाँ पे
पोलरिटी होना चाहिए। और अच्छा पोलरिटी मतलब अच्छा इंटरेक्शन, तो अच्छा इंटरेक्शन मतलब अच्छा सोलिबिलिटी। तो यही वजह है कि टीसी ज़्यादा होने से सोलिबिलिटी भी क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर हुआ बेटा? तो ये वाला चीज़ याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप समझ में आया होगा बेटा। तो ये लिख लो जल्दी से। तो बहुत सारी बातें हमने करी है बेटा। चलिए, आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा, है ना। मैं यहाँ पे पेज वन ही लिख रहा हूँ, अपने आप पेज चेंज करते रहना। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे बेटा, अब तो रहा क्रिटिकल टेम्परेचर, अब नेक्स्ट है नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हैं, है ना। टेम्परेचर की बात करते हैं, सेम है बेटा। टेम्परेचर आ गया तो वही आप अरहेनियस इक्वेशन याद रखना, है ना, और उसी से सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है, है ना। तो यहाँ भी अगर सोल्यूबल कोई चीज़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा बेटा, गैस सोल्यूबल होगा और कुछ गैस होंगे निकलेंगे भी। तो आप ऐसे सोचो कि ये सॉल्वेंट रहा बेटा, देखो आप ऐसे सोचो कि ये रहा आपका सॉल्वेंट और ये रहा आपका गैस जो कि डिजॉल्व हो रहा है ना, और ये बन रहा है क्या बेटा, है ना, ये बना रहा है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो उल्टा प्रोसेस भी पॉसिबल है बेटा, है ना, उल्टा प्रोसेस भी पॉसिबल है कि अगर गैस लिक्विड में सोल्यूबल है तो सॉल्यूशन से अपने आप गैस बाहर निकल सकते हैं, अपने आप गैस बाहर निकल सकते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक का बोतल बेटा, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक का बोतल खोलो, प्रेशर रहता है उसमें दबा हुआ, प्रेशर काफ़ी प्रेशर के साथ उसको भरा जाता है, लेकिन जैसे ही बोतल खोलते हैं पॉपअप की साउंड के साथ एक अच्छा खासा प्रेशर रिलीज होता है ना, और उससे देखोगे कि बबल आउट हो रहे हैं, बसिंग आउट हो रहा है, इसका मतलब उससे गैस बाहर निकल रहा है ना, वहाँ डीज है ना, वहाँ सॉल्यूशन बनने के बजाय क्या हो रहा है, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट सेपरेट आउट हो रहे हैं। तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व किए होंगे, इसलिए मैं दोनों के बीच इक्विलिब्रियम दिखा सकता हूँ बेटा। तो इसके लिए हम लोग के भी बना सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके बीच का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के होगा, और के आ ही गया तो के तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और साथ साथ थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी डेल्टा एच ऑफ डिजोल्यूशन पर डिपेंड करता है, है ना। तो चलिए बात करते हैं डेल्टा एच ऑफ डिजोल्यूशन वगैरह के बारे में। तो आपको पता है बेटा कि ln K2 by K1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ डिजोल्यूशन, है ना, डेल्टा H अपॉन R 1 by T1 minus 1 by T2 बेटा, 1 by T1 minus 1 by T2। तो आप सोचो कि डेल्टा H अपॉन R हो गया बेटा T2 minus T1 अपॉन T1 into T2। क्लियर है, क्लियर है बेटा। अब देखो, गौर करो जरा कि इफ डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो हुआ यानी पॉजिटिव हुआ, ग्रेटर देन जीरो हुआ यानी पॉजिटिव हुआ, एंड टेम्परेचर बढ़ा दिया गया T1 से ज़्यादा T2 कर दिया गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया, मतलब बोलने का सेंस हुआ T2 ग्रेटर देन T1, इसका मतलब हो गया इंक्रीजेज टेम्परेचर, इंक्रीजेज टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाई गई बेटा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाई गई तो आप देखो क्या होगा, टी टू माइनस टी वन पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, होल वैल्यू आ गया बेटा पॉजिटिव। जब होल वैल्यू पॉजिटिव आ गया इसका मतलब हो गया बेटा एल एन के टू बाई के वन ग्रेटर देन वन, यानी कि इसका मतलब हो गया के टू ग्रेटर देन के वन। आपको समझ में आ रहा है, मतलब अगर इंडोथर्मिक है और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसमें चीज़ें घुलेगा, क्या होगा, घुलेगा, लेकिन उसका उल्टा देखो, उसका उल्टा सोचो कि अगर डेल्टा एच निगेटिव हो गया,
डेल्टा एच लेस देन जीरो हो गया एंड टी टू ग्रेटर देन टी वन हुआ, तब क्या होगा? तब हो गया है ना, तब क्या होगा बेटा कि ये जो वैल्यू होगा होल वैल्यू है ना, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो होल वैल्यू क्या आ गया, निगेटिव आ गया। इसका मतलब कि एल एन के टू बाई के वन जो हो गया लेस देन वन हो जाएगा, इसका मतलब के टू लेस देन के वन हो जाएगा। मतलब हुआ कि डिजोल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं बनेगा वहाँ से है ना, सॉल्यूशन से बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट और गैस बनने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा है ना, मतलब दोनों सेपरेट हो जाएगा सॉल्यूशन में से, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। क्लियर है बेटा? और जनरली ये प्रोसेस नहीं होता बेटा गैस में है ना, गैस जब किसी भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक ही होता है। यह प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक ही होता है, हाँ एक्सोथर्मिक ही होता है, मतलब ये जो होता है डेल्टा एच होता है इसका निगेटिव ही होता है। इस वजह से क्या होता है, आप ऑब्जर्व किए होंगे कि गर्मी के दिनों में मछलियाँ तालाब से मर जाती है और एक्वेटिक लाइफ को काफ़ी तकलीफ होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ठंडे के मौसम में क्या होता है, सॉरी गर्मी के मौसम में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ने के कारण है ना, डिजोल्यूशन है ना, O2 गैस का घुलना वाटर में कम हो जाता है, तो मछलियों को सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाता है ना, इस वजह से वो बिना सांस का ही मर जाती है ना। हवा तो ऑक्सीजन तो सबके लिए ज़रूरी है, इस वजह से वो मर जाती है ना, तालाब की मछलियाँ। तो यही वजह होता है, कभी कभी ये बातें लिखने के लिए भी आता है कि एक्वेटिक लाइफ गर्मी के दिनों में सफ़र करती हैं, ऐसा क्यों होता है, मछलियाँ मर जाती हैं तालाब का, ऐसा क्यों होता है? तो रीज़न उसका यही है बेटा कि डेल्टा एच उसका निगेटिव होता है डिजोल्यूशन गैस का, टेम्परेचर बढ़ता है तो लॉग के एल एन के टू बाई के वन का वैल्यू लेस देन वन हो जाता है, यानी कि है ना के टू इसका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट का वैल्यू घट गया, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा करा अकॉर्डिंग टू लिचेडेलियर प्रिंसिपल है ना, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम जो है बैकवर्ड शिफ्ट कर गया है ना, और अगर पॉजिटिव होता तो फॉरवर्ड शिफ्ट करता, डिजोल्यूशन बढ़ जाता, बट ऐसा होता नहीं है। क्लियर है बेटा? आई होप ये सारा चीज़ें समझ में आया होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट, उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा। चलिए लिख लीजिए जल्दी से, तो हमने बेटा पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिए, क्रिटिकल टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ लिए, प्रेशर का इफेक्ट पढ़ लिए, नेचर कैसे प्रभावित करता है वो देख लिए है ना, काफ़ी कुछ हमने डिस्कशन करा बेटा। और देखो हालांकि ये सब फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, लेकिन आजकल ना फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर से भी न्यूमेरिकल थोड़े कम आ रहे हैं और इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसीलिए हमें इन सारे चैप्टर को इस तरह से एनालिसिस करना है, अगर नहीं करोगे तो आप का क्वेश्चंस नहीं होगा है ना। लोग एक पैटर्न में पढ़ाते हैं तो एक वो स्टैंडर्ड पैटर्न है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लोग जो सामने वाला जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, पेपर लगा बना रहा है, वो वही पैटर्न में क्वेश्चन दे, जरूरी नहीं है। तो आपको खोजी प्रवृत्ति का बनना है बेटा है ना, आपको सोचना है, आपको दिमाग लगाना है कि और क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तभी आप ढंग के क्वेश्चन कर पाओगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगा पाओगे, अदरवाइज नहीं। नहीं तो ये ट्रेडिशनल वे के पढ़ाई जो होते हैं है ना, कुछ हद तक काम कर जाते हैं लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बना पाएंगे आपको, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि आप इस पे काम करो, ढंग के चीज़ें लगाओ, ढंग का पेपर करो, वन टाइप क्वेश्चंस है ना, लगे पड़े हैं वैसे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, क्या ना सेम टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू का है ना, उस तरह के क्वेश्चंस ना करो, ना ही वैसे चीज़ों को पढ़ो रिपीटेडली वे में, तो ऐसी चीज़ें नहीं करना है बेटा। नेक्स्ट, अब रही बात इफेक्ट ऑफ प्रेशर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा और ये हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, ये जो प्रेशर का इफेक्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना।
अभी तक जो पढ़ रहे थे एग्जाम ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और इसका तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और मैंने पहले भी बताया कि प्रेशर का इफेक्ट गैस के सॉल्विटी के ऊपर काफ़ी भयानक प्रभाव पड़ता है, अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है ना। तो इसका इफेक्ट जो होता है हेनरी के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। अब ये जो हेनरीज लॉ है ये कहता है कि सॉल्युबिलिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है। सॉल्युबिलिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है। और उसने एक इसे जो ये स्टेटमेंट जो दिया इसी स्टेटमेंट को बोलते हैं हेनरी लॉ, और उसको मैथमेटिकल तरीका से थोड़ा अलग रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे हेनरी कांस्टेंट डालते हैं, प्रेशर इक्वल टू के एच इंटू एक्स लगाते हैं, है ना। तो इसका डिराइवेशन कैसे होता है, कहाँ से आता है ये सारी चीज़ें, तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो अगले क्लास में इस वाले टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, है ना। तो आप अगले क्लास तक क्लास में बने रहोगे और अच्छा खासा रिस्पांस दोगे। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। डाउट होने से आप बेहिचक मैसेज करो, है ना, कॉल करो, पूछो। उम्मीद करता हूँ बेटा आप आज का सेशन सभी को अच्छा लगा होगा, है ना, अच्छे अच्छे चीज़ें आपने सीखी। तो इस तरह की चीज़ें और सीखेंगे और आगे के लेक्चर में बने रहेंगे बेटा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू बेटा।